अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है हम क्लास टेंथ के अंदर टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। क्लास टेंथ बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। लास्ट हमने लेक्चर जो पढ़ाया वो था अबाउट द लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, और उसमें हमने पढ़ा था उसकी तीन काजेस थी। पहली जो काज थी वो थी स्मोकिंग, दूसरी जो काज थी वो थी वायरल इन्फेक्शन, और तीसरी जो काज थी वो थी आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो रेडिएशन जो है आयोनाइज कर देते हैं किसी चीज़ को, इस वजह से भी लंग कैंसर जो है वो होता है। बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग के हवाले से हम अगर बात करें, इसमें तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि जो स्मोकिंग है ये वजह बनती है किस चीज़ की, लंग कैंसर की। और उधर भी हमने पढ़ा था ज़्यादातर जो लंग कैंसर है वो होता है स्मोकिंग की वजह से। तो आमतौर पर यह तासुर है, ये समझा जाता है हमारे माशरे के अंदर कि जो स्मोकिंग है उसकी वजह से सिर्फ लंग कैंसर होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग कैंसर हो, बल्कि ये सर से लेकर पाँव तक पूरी तरह से हमारी बॉडी को जो है ये इफेक्ट करती है। और अगर हम बात करें सिगरेट के हवाले से, पहली बात तो ये है इसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं, और इन केमिकल्स की तादाद जो है वो 4000 है। 4000 केमिकल्स होते हैं सिगरेट के धुएं के अंदर। इन 4000 में से जो कार्सिनोजिन है, जो के वजह बनते हैं कैंसर की, वो है 50 केमिकल ऐसे हैं जो के कैंसर की वजह बनते हैं। इसी तरीके से बाकी जो केमिकल हैं वो भी हमारी बॉडी को जो है वो इफेक्ट करते हैं। 50 कैंसर की वजह बनते हैं और बाकी जो है हमारी बॉडी को और तरीके से जो है वो इफेक्ट करते हैं। और सिगरेट के धुएं के अंदर जो पाया जाने वाला एक केमिकल है जिसको नाम देते हैं निकोटीन का, निकोटीन। अब अगर हम बात करें निकोटीन के हवाले से, जो कि तंबाकू के अंदर होता है और जब हम सिगरेट पीते हैं उसके धुएं के साथ जो है हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, ये है क्या? शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द निकोटीन। निकोटीन जो है एक जहर है, पॉइजन है, जहर है, और इसको माजी के अंदर जो है इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इंसेक्टिसाइड दो अल्फाज, पहला लफ्ज जो है वो है इंसेक्ट, दूसरा लफ्ज जो है वो है साइड। साइड मतलब किल, इंसेक्ट को किल करने के लिए जो है ये इस्तेमाल होता था। लेकिन तंबाकू के अंदर मौजूद है, सिगरेट के धुएं के साथ हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, और जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये क्या करता है? इसके दो इफेक्ट हैं। पहला इफेक्ट ये हार्ड कर देता है आर्टरीज को, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम नाम देते हैं आर्टरीज का, जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती है उसको ये हार्ड कर देता है। और दूसरे नंबर पर इसका इफेक्ट क्या है, ये डैमेज करता है किस चीज को, ब्रेन टिश्यूज को, जो ब्रेन के टिश्यूज हैं उनको ये डैमेज करता है निकोटीन। ये शार्प क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द निकोटीन। निकोटीन इज अ पॉइजन दैट वाज यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड इन द पास्ट। पास्ट में इसको इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। व्हेन इट इज इनहेल्ड, जब ये अंदर जाती है विद द टोबैको स्मोक, तंबाकू के धुएं के साथ, देन इट हर्ट्स द आर्टरीज, आर्टरीज को हर्ट कर देती है और डैमेज कर देती है ब्रेन टिश्यूज को। और फिर इसके बाद अगर हम इसके स्मोकिंग के और इफेक्ट के हवाले से बात करें, जिस तरीके से मैंने बताया है कि सिर्फ ये लंग कैंसर की वजह नहीं बनती, बाकी भी बहुत से कैंसर हैं जो इसकी वजह से होते हैं। कैंसर जिस तरीके से, कौन से कैंसर हो गए, ओरल कैविटी मुंह का जो कैंसर है वो हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सीने का, छाती का जो कैंसर आ गया,
ये भी इसकी वजह से होता है। इसी तरीके से लैरिंक्स का कैंसर हो गया, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो गया, पित्ते का कैंसर हो गया, और इसी तरीके से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर हो गया। ये सारे कैंसर किसकी वजह से होते हैं? सिगरेट की वजह से होते हैं। और फिर इसके बाद इसका एक और इफेक्ट है, जो कि क्या है कि जो सिगरेट है ये क्या करती है, जो एयर पैसेज वेज है, हवा के गुजरने के जो रास्ते, एयर पैसेज वेज, जिस तरीके से मैंने बताया आप लोगों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन का पहला हिस्सा जो था वो एयर पैसेज वेज था, एयर पैसेज वेज को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जो है वो हो जाती हैं। जिस तरीके से एम्फिसीमा हो गया, एम्फिसीमा भी ये सिगरेट की वजह से होता है। और फिर इसके बाद इसका एक और इफेक्ट है सिगरेट का, वो है अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम मौजूद है जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर एक प्रोटीन है जिसको हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है और इसको ट्रांसपोर्ट कर देती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये क्या करता है, सिगरेट के धुएं के अंदर होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जाकर अटैच हो जाते हैं किस चीज के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर पहला इफेक्ट इसका क्या है कि ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। और इसके बाद इसका दूसरा जो इफेक्ट है वो क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, कि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर जो है किस चीज को, प्लेटलेट्स जो हैं उसकी तादाद को इंक्रीज करते हैं, प्लेटलेट्स की तादाद को। और जब प्लेटलेट्स की तादाद इंक्रीज होती है, इसकी वजह से जो ब्लड है वो विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और जब ब्लड विस्कस हो जाता है, इस वजह से एक डिजीज होती है जिसको हम नाम देते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस की जो डिजीज है ये इसकी वजह से होती है। और फिर इसके बाद इसका एक और इफेक्ट है, वो है लंग्स के ऊपर। लंग कैंसर की भी वजह बनती है, लेकिन लंग्स के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन भी सिगरेट की वजह से होते हैं। जिस तरीके से ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की जो बीमारी हो गई, ये भी किसकी वजह से होती है, इस सिगरेट की वजह से होती है। इसका एक और इफेक्ट है ऑन द टीथ, हमारे दांतों के ऊपर, इसकी वजह से जो दांत हैं वो वीक हो जाते हैं और उनका जो कलर है वो येलो हो जाता है, और इससे दांतों के गिरने का जो प्रोसेस है वो जल्दी होता है। ये था अबाउट द बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। 4000 केमिकल्स होते हैं, 50 कार्सिनोजन होते हैं, कार्सिनोजन कैंसर क्रिएट करते हैं, बाकी जो है क्या करते हैं, बाकी और तरीके से बॉडी को इफेक्ट करते हैं। निकोटीन जहर है जो कि इंसेक्टिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन जब सिगरेट के साथ, धुएं के साथ हमारी बॉडी के अंदर जाती है, आर्टरीज को सख्त कर देती है, ब्रेन टिश्यू को जो है डैमेज कर देती है, सिगरेट जो है सर से पांव तक हमारी बॉडी को क्या करती है, इफेक्ट करती है। मुख्तलिफ किस्म के कैंसर सिगरेट की वजह से होते हैं, लंग कैंसर हो गया, ओरल कैविटी का हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लैरिंग्स का हो गया, ब्लैडर का हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन का हो गया। इससे एयर पैसेज वेज के अंदर इंफेक्शन होता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो जाती हैं, जिस तरीके से एम्फिसीमा हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, इसके धुएं के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम कर देती है। और फिर इसके बाद इसके अंदर जो है ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं जो खून के अंदर प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ाते हैं,
जिससे खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है और अल्टरोस्क्लेरोसिस की डिजीज जो होती है जिसके अंदर ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है। लंग्स के अंदर इंफेक्शन क्रिएट करते हैं, बहुत से इंफेक्शन सिगरेट की वजह से होते हैं, टीबी भी सिगरेट की वजह से होने वाली एक डिजीज है। टीथ येलो हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं और इनके गिरने का जो प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है। दैट वाज अबाउट टुडे लेक्चर, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, सी यू अगेन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।